Hey guys, welcome back to another video. तो यार हम खाटू श्याम जा रहे हैं, कुछ व्लॉग बनाने का मेरा प्लान था नहीं, पर यहाँ मुझे एक मंदिर दिखा बढ़िया बीच रस्ते में, तो मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए. और व्यू भी बड़ा, व्यू बड़ा प्यारा है, चेक करो. सो ऐसा कुछ व्यू है यार यहाँ का. और ये हनुमान जी का मंदिर है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले. तो आगे नानी जी चल रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, 100 steps हैं ये. तो आओगे तो एक बार आना, अच्छा लग रहा है, व्यू बड़ा प्यारा है. लद्दाख आ गए हैं. ये हमारी माता जी. हेलो, आते सो क्या करते हैं, ये रील रील बनाते हैं. हेलो पूजा जी, कैसे हो आप? हवा देखो कितनी तेज है, चप्पल उठी जा रही है इसकी. अरे तो हल्की चप्पल ला लाती ना. बैठना पड़ेगा. अरे बात यही चाह रहे थे, इसी बात पे लिखो सारे, जय श्री राम, जय श्री राम, ये बोलो जय श्री राम. एक चप्पल में चलेगी तू. अब उड़ा दी हनुमान जी ने, जल लेकर आ. कहाँ चप्पल छोड़ी थी भाई, यहाँ पहुँच गई हवा से, बहुत तेज हवा. अभी शांति हो गई है, इंद्रदेव जी रुक गए हैं. अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अब? मम्मी को अकेले ले जा रही है. कहाँ जा रहे हैं अब? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं इसके बाद? जन बता. खाटू श्याम. खाटू श्याम भूल गया, खाटू श्याम जा रहे हैं. मंगल डाल. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इससे क्या होगा? चलो चलते हैं भाई. हाँ पूजा जी बताओ कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. जिनका वेट बढ़ा है उनसे पूछिए. आप तो वो पतले हो. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मैं नानी आपको बहुत बढ़िया चढ़ा गया नानी से. आज नानी ने 100 सीढ़ियां चढ़ी हैं. कितने टाइम के बाद? ये बजरंग बली की शक्ति है. ये बजरंग बली की शक्ति है. बोलो जय श्री राम, जय श्री राम. अब नोनू बताएंगे आगे का कहानी. कहानी क्या भाई, 50 किलोमीटर पहले है खाटू श्याम से. तो कभी खाटू श्याम जा रहे हो तो आना. पहुंच गए गाइस हम हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम हमारे जी के पास. आप हार गए हैं, आप हार गए हैं. हारे हुए यहाँ पे, जो लोग हारे होते हैं वो जीत के जाते हैं. मैं तो बहुत ही हार चुकी हूँ. किससे हारे हो? सबसे हारे हो. चलो हमारा प्लान था कहाँ का? वृंदावन. वहां तो पहुंच नहीं पाए खाटू श्याम में, वृंदावन धाम आ गए. हाँ भाई हो गया आराम, हो गया आराम, आराम हो गया भाई. ये तो तैयार हो गए. और मैं सुबह नहा के आया था, मैं नहीं नहाया धोया, बस सोया. क्या टंगवा? नहीं सब्जी, ग्रीन वो कौन सा किया होता? छप्पन कद्दू. अबे नहीं कुछ और है यार. गाइस कमेंट में बताओ क्या ये. गाइस हमें बड़े दिन बाद इससे छोटा नहीं मिला कोई. हैं? प्राउड हो रहा है कि मेरे से भी छोटा कोई. आगे बढ़ते रहो,
आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। मंदिर परिसर में मोबाइल से फोन भी बता रहे हैं। कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत अच्छे। कैसा लगा? मजा आया। सुकून मिला, मींस वो वाला सुकून तो मिला यार। मुझे भी, मुझे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले लिया, बट कोई बात नहीं। देखो फिर कहाँ से ले रहा, फिर मुझे कहा महंगी है वो तो है। गाइस क्या मैं महंगी हूँ? देखिए मेरे बाल है। ये है यहाँ की मार्केट, सेम सेम सी होती है। और नानी ले रही है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े। ये तो बड़ा साइज है, ये छोटी है। वो सेम साइज है जो हम लेकर आए थे, ये छोटी है। हाँ ये छोटा, ये वाला साइज निकलवा लो ना, बड़ा ये नानी ये वाला। सुप्रभात, जय श्री राम। तो उठ चुके हम, आराम आराम कर लिया है और यहाँ से लेने लगे प्रसाद घर के लिए। क्या हाल है गुप्ता जी की? बता दो ना मिठाई। नहीं तो कोई मशहूर थोड़ी है। और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। क्या खाएंगे? परांठे? आलू के परांठे इतने बेकार मिलते हैं ना यहाँ पे यार, उसमें आलू है ही नहीं, सिर्फ रोटी है। मत खाना परांठे। देखो गाइस अभी आपको मना कर रहे थे, अब खुद भी आलू के परांठे खाए जा रहे हैं। और कुछ ऑप्शन है नहीं रोटी में यार, रीजनेबल भी है। 50 का दो परांठे, एक का एक, 25 का एक। खुश होकर खुद खुद नहीं खा रही है। निकल चुके हैं खाटू श्याम जी से और अब प्रस्थान कर रहे हैं हम कहाँ की तरफ? सालासर बालाजी, जो कि यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर दूर है। और मौसम हो रहा है बहुत सुहाना। कुछ कहना पूछा आपने? इस पे एक घंटा लगेगा, वहाँ पे ये नोनी जी लगाएंगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे। नोनी जी आज क्यों नहीं आ रही? मम्मी जी आ रही है। चेक करो, चलो दिखाता हूँ आपको व्यू, मिलते हैं वहाँ पे। भाई यहाँ तो लाइन है पूछो मत। मम्मी और नानी को तो भेज दिया हमने VIP, पर हम आगे इधर लाइनों में पता नहीं कितना ही चलना पड़ रहा है। हम आगे होंगे पूरा रास्ता कवर करके, लाइन अंदर बड़ी सारी लगी हुई है और ये भी पता नहीं कितना, आधा 1 किलोमीटर का तो रास्ता यही होगा, टाइम लग जाएगा। यूट्यूब पे जा रहे हैं सारे भाई सीधे सस्ते नहीं देंगे, यहाँ से भी घुमा रखा है हम। ये देखो भाई साहब, हाँ वहाँ भी है, जो समझ नहीं आ रहा क्या करके रखा है ये वे? उत्तरी पता नहीं कितनी लाइने लगा रखी है भाई यार, मुझे लग रहा 3-4 घंटे रात हो जाएगी पूरी दर्शन करते करते। हमें लगा था 5 मिनट 10 मिनट में। उत्तरी भाई ये सारी लाइनें भी बंद है, इतने लोग हैं नहीं। क्या ये धक्के दे जा रहे हो? ना खुद आगे ना खुद किसी को आगे चलने दे रहे हो। कितनी आगे जा रहा तूने? ये देखो भाई इतनी सारी लाइनें, ये लाइनों से बचा रहे होगी। हम वहां से आए पीछे से घूमते हुए। यहाँ से आए पता चलते हुए नहीं ऊपर जाना है। पैसा है सोच तीन वक्त है थोड़ी सी शरारत है। किधर में हो गए थे? अभी तो बहुत लंबी लाइन है, पीछे से इतना घूम के आए। बहुत बुरा लग रहा है, हमें जाना चाहिए था उनके साथ, उनके दर्शन हो भी गए। हाँ और अब अभी लाइन अभी हो रहा है, कम से कम ये तो लगेगा 15-20 मिनट अभी और लग जाएंगे। ऐसे में मजा मजा तो इसमें यार, ये तो है।
कृपा तभी होगी। वीआईपी का क्या, ऐसे थोड़ी वीआईपी दर्शन करने हैं, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, बजरंग बली से मिलने जा रहे हो, बस नहीं मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, ऐसे नहीं, वो भी मज़ा भी नहीं आएगा उसका, ये तो बोलना पड़ रहा है। तो शादी हो रही है ना तो एंग्जाइटी सी लग रही है इतनी लाइन इतनी भीड़ देख के। चलो मिलते हैं। हेलो हेलो हेलो, तेज क्यों भाग रहे हैं लोग? ये बैठे हुए दोनों दर्शन करके अपने को कितना टाइम लगा? आधा पूरा घंटा ना, यार 4 बजे आए थे, 5 बज गए, 1 घंटा हो गया सही तरह दर्शन। दर्शन 2 मिनट लगे सर। नहीं आप गए पीछे से भी पूरा सारा घूम के चले। हेलो वंस अगेन, गाड़ी चल गई है भाई 250 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आएगी दिल्ली। अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते पर और आम भी, गाड़ी रोकी नहीं पहले कभी। खाना आ गया, शाही पनीर दाल, ये एलियन एलियन देखो चले, थकी थकी आते हैं, पेट पूजा करते हैं फिर निकलते हैं। बढ़िया पेट मेरा सबका, पेट पूजा होगी भाई डन। अब सारे सोते हैं नहीं। गाड़ी चलते चलते मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई लोगों मिलते दिल्ली पे, वापस यहाँ से रह गया बस थोड़ा सा ही और पहुँच जाएंगे 1.5-2 घंटे में।